हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रेडियोलॉजी, मीन्स रेडियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या क्या भी एडवांसमेंट आ चुके, वो सारी चीज़ें सिंपल सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये अपनी रेडियोलॉजी ज्ञान की सीरीज़ की 8 नंबर वीडियो है। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फिर इंस्टाग्राम जाके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये देखिए गाइस, जैसे ही रेडियोलॉजी का नाम आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आएगा कि फादर ऑफ रेडियोलॉजी कौन है। तो आपको बोलना है W.C. रोंटेजन, इट मीन्स विलियम कॉनकार्ड रोंटेजन। और ये कब की बात है, 1895 की ये कहानी है। तो आपसे कोई भी पूछ ले रेडियोलॉजी के फादर या फिर एक्स रे के फाउंडर, तो आपको बोल देना W.C. रोंटेजन। देन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये चीज़ देखो, इट्स ऑल स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज बाई W.C. रोंटेजन इन 1895। ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी जिस टाइम 1895 के अंदर W.C. रोंटेजन ने एक्सरेज की डिस्कवरी की। उसने डिस्कवरी कैसे की, वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, उसको अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार आप बेसिक्स को कवर कर लेते हैं हिस्ट्री के। तो यहाँ कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग फॉर वीक्स ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज रेज कॉल्ड एक्सरेज, अभी W.C. रोंटेजन भैया ने क्या काम किया, बोले मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे कैथोड रे पर। तो वहाँ कुछ एक तरफ देखा यार, कुछ ग्लो हो रहा है, कुछ जल रहा है वहाँ। उसको उसने फिर धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसको पता नहीं था कि ये रेज कहाँ से निकल रही है। अभी बात आएगी रेज क्या होती है। तो रेज वो है एक पॉइंट से निकल के इन्फिनिटी तक जा सकती है। आपसे अगर पूछ ले व्हाट इज रेज, तो आपको बोल देना एक पॉइंट से निकल के इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो उसने देखा कि यार मेरे सोर्स से रेज निकल रही है और कि पॉइंट पे जा रही है। तो देन उस रेज का उसको नाम तो पता नहीं था, तो उसने उसको नाम दे दिया एक्स, मीन्स अननोन। मैथ के अंदर अपन लेट कर देना, लेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज एक्स, वही सेम बात यहाँ की गई, एक्स मीन्स अननोन रेज। देन ही टेक्स एक्सरे ऑफ हिज वाइफ नेम अन्ना बेरता लेफ्ट हैंड एंड इट्स फर्स्ट डे एक्सरे प्रोड्यूस। तो पहला एक्सरे उसकी वाइफ का ही प्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था अन्ना बेरता, और उसका हैंड कौन सा था, लेफ्ट हैंड का एक्सरे प्रोड्यूस किया W.C. रोंटेजन ने। देन उसकी वाइफ ने देखा कि उसने अपनी मौत को बहुत पास से देख लिया, इस तरह कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी आप आगे डिस्कस जरूर करेंगे। देन अभी जो आज के टाइम में जो फर्स्ट इमेज थी, दिस इज नोन एज हैंड मिट रिंजन। जो फर्स्ट टाइम एक्सरे था उसको क्या बोलते हैं, हैंड मिट रिंजन, ठीक है गाइज। देन ये कुछ इस टाइप का एक्सरेज देखने को मिलेगा आपको, जिसके अंदर उसकी वाइफ की रिंग भी आ रही है, ये देखिए गाइज। देन W.C. रोंटेजन भैया इस तरह इनका फोटो था, आप देख सकते हो, ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा। 8 नवंबर को तो इनका अपना रेडियोलॉजी डे है, तो वहाँ तो फुल इन्हीं का जिक्र चल रहा होता है। तो ये देखिए गाइज, ये सारी चीज़ें निकल के आगे भी एक्सरेज भी निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, 1901 के अंदर रोंटेजन भैया को मिला फर्स्ट नोबल प्राइज इन फिजिक्स, मीन्स 1901 के अंदर रोंटेजन को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। देन जैसे उसको नोबेल प्राइज मिला, सारी थ्योरीज को डिस्कस कर लिया गया, अप्रूव हो गई। देन अभी एक ना स्पार्क आ गई, एक मार्केट के अंदर बोल सकते हैं, एक जो हॉस्पिटल मार्केट था उसके अंदर नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हो गए, कि उन्होंने सारों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम भी एक्सरे रूम बनाएंगे। और जैसे ये एक्सरे रूम बनने स्टार्ट हुए, तो यहाँ से राइज हुआ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, ठीक है गाइज। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का कैसे स्टार्ट हुआ, 1901 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में रोंटेजन भैया को। देन रोंटेजन भैया के थ्योरी के बाद, उसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद, हर एक चीज़ों को हिला के रख दिया, और इसी चीज़ को फिर हॉस्पिटल वालों ने सोचा कि हाँ अब हम इसका यूज़ करेंगे डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। तो हर एक जगह छोटे छोटे एक्सरे रूम सेटअप होने लगे, और फिर इन्हीं एक्सरे रूम के चलते अपना फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का राइज हुआ। देन कह रहे हैं कि इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर क्या था, ये कॉमन गोल हो रहा था सभी साइंटिस्ट रिसर्चर प्रोफेसर्स के लिए, कि किस तरह जो सुपर इम्पोज हो रही है शैडो, उसको डिस्ट्रीब्यूंस किया जाए, ये कंसेप्ट चल रहा था। ये कंसेप्ट चलते चलते उनके बीच में फिर एक आए थे अपने गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1960 के अंदर, ठीक है गाइस, नहीं 1960 के अंदर, हाँ उस टाइम की बात आई है। तो 1960 के बाद क्या था, अपने पास सिस्टम्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुके थे, कंप्यूटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुके थे। देन कंप्यूटर्स के चलते गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने क्या, एक बॉक्स लेके उसको अलग अलग डायरेक्शन से रेडिएशन दी, एक्सरेज दिए, और उसने एक इमेज निकाली एक बॉक्स की। और इंटरेस्टिंगली बात ये है कि वो ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट नहीं किया गया, बस ये ऑब्जेक्ट्स पर देखा जा रहा था, बोले कि हम इंटरनल चीज़ों को देख सकते हैं बंद डिब्बे के अंदर, कुछ इस तरह की थ्योरी वहाँ रखी गई। देन द सिटी स्कैनर इज डिस्कवर्ड बाई सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, ये बात आप कर चुके हैं। देन कह रहा है कि इन हिज वर्कशॉप एच इलेक्ट्रिक एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज लेबोरेटरी इन हाइज ही वर्क ऑन कंप्यूटर डिवाइस प्रोसेस ऑफ हैंडर्ड ऑफ एक्सरे बीम टू फॉर्मुलेट 2D ऑफ सॉफ्ट इनसाइड। तो अभी अपनी वर्कशॉप में वो क्या करता था, कोई भी लिविंग टिश्यू की
वो 2D इमेज निकाल रहा था बहुत टाइम के बाद, उस बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचा कि हाँ उसने एक लिविंग टिश्यू की भी इमेज निकाल ली। और ये सारी इमेजेस किस में ऑब्टेन कर रहा था, वो स्लाइसिस के अंदर। और ये जो इमेजेस रिकॉर्ड हो रही थी उस टाइम फिल्म्स तो थी नहीं, जो सेंसर था ना उसके पास, उसी सेंसर पर इन इमेज को रिकॉर्ड किया जा रहा था। देन ये सारी इमेजेस एक स्लाइसिस की सीरीज के अंदर ऑब्टेन की जा रही थी एंड देन कैर के बाद अवेलेबल टू डेमोस्ट्रेट डिफरेंट टिश्यू डेंसिटी। और ये सारी स्लाइसिस के अंदर इतना वो पोटेंशियल था कि ये एक दूसरे की टिश्यू डेंसिटीज को डिफरेंस कर सके। देन ही टेस्ट सीटी मेथोलॉजी हैंड ऑन हैंड ऑफ काउ। देन उसके बाद ये सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद एक काउ के हेड पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सीटी स्कैन उसके हेड का किया गया। देन 1971 के अंदर एक वूमेन जिसको एक ट्यूमर था उसका स्कैन किया गया और देन फिर अपनी थ्योरीज को धीरे 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 मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह का वो स्कैन दिख रहा था। और उसके बाद 1979 के अंदर गॉडफ्रे हाउसफील्ड को फिर से नोबेल प्राइज दिया गया अपने रोंडेजन भैया को, कब था 1901 के अंदर। और उसके 78 ईयर्स के बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद सीटी आ चुकी थी और उसके अंदर 1979 के अंदर सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड को भी नोबेल प्राइज मिल गया। देन इनके साथ और भी बहुत सारे इसके क्लीग्स थे, जो भी प्रोफेसर थे उन सरों ने मिल के काम किया। देन ये चलते 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 ये देखिए अभी कहानी आ रही थी MRI की। MRI का स्टार्टिंग किस तरह होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो जिसको पहले बोला जाता था स्पिनिंग एटम इफेक्ट बोला जाता है, ये हो गया था अपना 1930 के अंदर डिस्कवर, मतलब NMR अपना 1930 के अंदर एग्जिस्टेंस में आ चुका था। लेकिन इसका कोई अभी MRI का कंसेप्ट नहीं निकलने के आया। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने पेपर्स पब्लिश करने स्टार्ट किए, डिफ्यूजन में, रिलैक्सेशन में, केमिकल एक्सचेंज ऑफ वाटर, और ये सारी चीज़ें मिलके लगभग ये बात होगी 1962-1970 इस अप्रोक्स के बीच के अंदर MRI का जन्म हुआ। देन कह रहा है कि 1971 के अंदर रेमन डेमेडियन जो कि MRI के फादर है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जर्नल ऑफ साइंस के अंदर कि उसने कहा कि NMR कैन डिटेक्ट ट्यूमर फ्रॉम नेचुरल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू। जो NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है वो एक ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट कर सकती है नॉर्मल टिश्यू से। देन उसके बाद उसने एक एपरेटस बनाया, मतलब एक सिस्टम बनाया, और उसी सिस्टम के अंदर फिर एक पूरी बॉडी को स्कैन किया गया, जिस भी उसने स्पेशली जो जहाँ ट्यूमर्स का रीजन था उस रीजन को वहाँ स्कैन किया गया, जहाँ उस स्कैन किया उस टाइम उसको NMR दे गए, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू उनको जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको प्रोवाइड किया गया एंड देन उसके बाद फिर उसकी इमेज ली गई। देन कह रहा है कि अभी देन ई नेम दिस फोकसिंग NMR कंसेप्ट, और इसी जो उसने क्या क्या एक ट्यूमर को फोकस किया और NMR बीम्स दी, और इसी कंसेप्ट को आगे निकल के ये आया फोनार, FONAR एंड फर्स्ट फुल ह्यूमन बॉडी स्कैन इन 1977। और 1977 के अंदर फोनार के थ्रू एक फुल बॉडी स्कैन किया गया, और जिस बॉडी स्कैन के अंदर अप्रोक्स 5 घंटा लगा था, आज के टाइम में सिटी हेडब्रेन अपना 15 से 20 मिनट के अंदर कवर हो जाता है, उस टाइम पूरी स्कैन के लिए 5 घंटे लगे थे। ये देखो गाइस कितनी एडवांसमेंट आ चुकी थी उस टाइम से अब। देन क्या हुआ, 1973 के अंदर पॉल क्रिश्चियन लेबोचर एक अमेरिकन केमिस्ट थे और पीटर मैंसीफील्ड एक ब्रिटिश ये फिजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया फोनार पे भी, फोनार से भी एडवांस में काम किया और उसकी उसके फोनार से ज़्यादा स्पीड दे के आए, उसके अंदर जो भी उसकी स्कैनिंग स्पीड थी वो स्पीड दे के आए। देन धीरे धीरे करते करते फिर अपने मार्केट के अंदर आ गई IR, मतलब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये किस तरह आई, चार्ल्स रूटर एक वेस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट थे जिनको आप फादर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कौन है, चार्ल्स रूटर। तो उन्होंने क्या काम किया, एक लेडीज थी और तो उसका उन्होंने ये IR के थ्रू उसको ऑपरेट किया, लेकिन वो थोड़े दो साल बाद उसकी डेथ भी होगी उस लेडीज़ की, लेकिन अपना कंसेप्ट यहाँ निकल के आ चुका था। उसको कुछ फेमोरल आर्टरी में कुछ स्टेनोसिस वगैरह था तो उसको फिर ठीक किया गया, यह ना IR ऑफ वुमन इज डेनिक वुमन का क्या गया, उसका फेमोरल आर्टरी में कुछ इशू था उसको कवर किया गया। देन अभी कहानी आ रही थी अल्ट्रासाउंड की, द बेसिक ऑफ USG फिजिक्स अराउंड सिंस 1974 के अंदर अपने अल्ट्रासाउंड की फिजिक्स को तो पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन 1942 के अंदर जिस टाइम डॉक्टर कार्ल थियोसे डुशिक, क्या नाम है, डॉक्टर कार्ल थियोडोरे डुशिक, उन्होंने अल्ट्रासाउंड बीम को एक ह्यूमन स्कल के अंदर से पास किया, और जैसे ही पास किया तो अपने को पूरी इमेज मिल गई। देन इसी इमेज के थ्रू फिर अपने जो अल्ट्रासाउंड को फिर मेडिसिन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। देन चलते चलते 1950 के अंदर आयन डोनाल्ड जो भी अपने प्रोफेसर थे उन्होंने क्या काम किया, इसी अल्ट्रासाउंड को ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे चलते चलते फिर आयन डोनाल्ड एंड टॉम ब्राउन दोनों ये प्रोफेसर, इन्होंने क्या किया एक पहली अल्ट्रासाउंड मशीन को भी तैयार किया।
ये लगभग पूरी अपनी हिस्ट्री की बात हो रही है, धीरे धीरे किस तरीके से चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, देन टेकन सीरियसली आफ्टर। उसके बाद क्या था कि एक लार्ज ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस किया गया एक, एंड तो जिस टाइम इन्होंने लार्ज ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोस किया तो उस टाइम ये सारी सीरियस हो गई कि हाँ यार अपन इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद धीरे 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 प्रेगनेंट वूमेंस के अंदर यूज़ होने लगा इसका, क्योंकि एक्सरेज कहीं ना कहीं हार्मफुल थी, तो उसी हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए फिर प्रेगनेंट वूमेन के अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया गया, उनको प्रेफर किया गया। देन कह रहे कि रेडियोलॉजिस्ट, उसके बाद क्या था, ये सारी चीज़ें तो हो गई एक्सरे के बाद, सीटी एमआरआई अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक चीज़ें तो निकल के आ गई किस तरह ये आई। देन अभी रेडियोलॉजिस्ट को उनको एक जरूरत थी शेयरिंग सिस्टम की, कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा को, इमेजेस को कैसे शेयर करे, तो इसके लिए 1980 के अंदर एक सिस्टम निकल के आया, PACS मीन्स पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या था, पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या था, अब रिमोटली कोई भी इमेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे देख सकते हैं सिस्टम के थ्रू, जो भी अपना ऑनलाइन डाटा के थ्रू या फिर वायरलेस मेथड्स के थ्रू उन चीज़ों को शेयर किया जाता था, और एक पूरे हॉस्पिटल के अंदर इसको सर्कुलेट भी कर सकते थे। तो ये सिस्टम कौन सा था, PACS पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब पिक्चर्स को आर्चिव करके उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। देन धीरे 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 1980 के अंदर CAD को भी लॉन्च किया गया, CAD बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डायग्नोस, मीन्स कंप्यूटर के थ्रू अपना पूरा जो भी डिटेक्शन था उसको डायग्नोस कर सकते थे। और आज के टाइम में यही बेहतर CAD को भी यूज किया जा रहा है, जैसे कोई भी डायग्नोसिस या फिर डिटेक्शन के अंदर कोई भी वूमन बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटीज है या फिर अलग अलग अब इमेजिंग का यूज़ करें तो उनके अंदर CAD का यूज़ किया जा रहा था। धीरे 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 करते करते फिर ये CAD को रिप्लेस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब CAD तो चल रहा था, उसके साथ साथ फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने फील्ड के अंदर घुसा दिया गया। तो ये देखिए अनदर एडवांसमेंट इन रेडियोलॉजी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ बिकमिंग मेन स्ट्रीम एल्गोरिथम बीइंग प्रोड्यूस्ड टू डिटेक्ट एंड इंफेक्शन पैथोलॉजी। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करके पैथोलॉजी को फाइंड किया जा रहा है, उसको करेक्टराइज भी किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसको जो 2500 से 3000 5000 10000 जितना भी उसको डाटा देना था वो दे दिया और उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। फिर जैसे जिस भी इमेज को मैच किया जाता वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये पैथोलॉजी, इसको ये नॉर्मलिटी है, ये इसका डिजीज है, ये इसका ट्रीटमेंट, जो सारा कंसेप्ट आपने को डिस्प्ले में शो हो रहा था उसको फिर रेडियोलॉजिस्ट क्या कर रहा था, उसको फिर एवल्यूएट करके देन फिर उसकी रिपोर्टिंग की जा रही थी। इस तरह अपना अभी सिस्टम धीरे धीरे अभी मार्केट के अंदर यही चल रहा है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंटली यूज इन फॉर मेनी एप्लीकेशन ऑफ रेडियोलॉजी, फॉर एक्स स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए, कोई भी जो डिटेक्टिंग या फिर कोई लंग्स नोड्यूल को डिटेक्ट करना है उसको करेक्टराइज करना है, उसके साथ लीवर डिजन को करेक्टराइज करना है MRI के अंदर, तो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ करेंगे। देन क्या था कि रेडियोलॉजिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन पेशेंट केयर। अभी रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम था, पहले आप ये सोच रहे होंगे रिपोर्टिंग का काम होगा, नहीं, रिपोर्टिंग के साथ साथ ये IR जो भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आने के बाद, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट तो थी अपनी, ये IR आने के बाद क्या हुआ उनके, वो उन्होंने वो प्रोसीजर भी करने स्टार्ट कर दिए, जो भी गाइडेड प्रोसीजर बोल सकते हैं, FNAC बायोप्सी आज के टाइम में जिनको अपन नाम दे रहे हैं, उन्होंने जो भी कोई भी डायग्नोस को, कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर को फॉलो किया। जैसी एज हिस्ट्री शो रेडियोलॉजी इज टेक्नोलॉजी स्पेशल एडवांस आर टाइम एंड फ्यूचर इज मच मोर एडवांस। ये बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री देखो कितनी इंटरेस्टिंग थी ना, एक्सरे से स्टार्ट होकर कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपनी कहानी आके रुकी, और आज के टाइम में रुकी नहीं है, ये चीज़ें चलती ही जा रही है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आजकल हेल्थ केयर के अंदर अपना रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग से है, क्योंकि कोई भी चीज़ देख सकते हैं आप, जैसे न्यूरो का हो गया, कार्डियो का हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट को देखो अपना रेडियोलॉजी के अंदर उसको कहीं ना कहीं लिंक है वो, ठीक है गाइस। तो अपना रेडियोलॉजी का बहुत एडवांसमेंट है, बहुत स्कोप है आने वाले टाइम के अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत एडवांस होने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।